वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। देश में हिजाब विवाद पर जमकर हंगामा जारी है। कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद की आग यूपी की सियासत तक पहुंच गई है और इसका असर भी चुनाव प्रचार में काफी समय से ही देखा जा रहा है। नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हिजाब विवाद पर बोलने से नहीं चूक रहे। कोर्ट में चल रहे इस विवाद पर अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि शिक्षा संस्थानों में किसी भी धार्मिक पहनावे पर रोक होगी, लेकिन इसके बावजूद भी हिजाब पहनने को लेकर विरोध प्रदर्शन कई जगह देखने को मिल रहा है। अलीगढ़ में भी इसको लेकर काफी विवाद देखने को मिला। यहाँ के एक डिग्री कॉलेज में कुछ छात्र भगवा गमछा में पहुंचे तो बवाल ही मच गया, जिसके बाद यहाँ भी हिजाब और भगवे गमछे को बैन कर दिया गया। लेकिन अलीगढ़ से ही एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें हिजाब का विरोध कर रहे भगवादारी समूह ने भारत माता की जय के नारों के साथ हिजाब को जलाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें, इस वीडियो को मिल्लत टाइम्स ने ट्वीट किया है और इसे अलीगढ़ का बताया है। आप भी देखिए वीडियो। अब वीडियो के सामने आने के बाद लोग इस पर अपनी जमकर प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका मायना उत्तर प्रदेश चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और आज यानी 20 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान जारी है और इसको लेकर सभी प्रत्याशियों के दिलों की धड़कन खूब बढ़ी हुई है। इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।